स्टूडेंट्स, आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, द कैलकुलस ऑफ रेसिडियल या कंटूर इंटीग्रेशन। देखिए क्या होता है रेसिडियल एट ए पोल। लेट एफ जेड बी ए फंक्शन एनालिटिक विद इन सर्किल गामा ऑफ रेडियस आर, सेंटर जेड इक्वल टू ए एक्सेप्ट एट द सेंटर जेड इक्वल टू ए विच इज पोल ऑफ ऑर्डर एम। एफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन है, एनालिटिक आप जानते ही क्योंकि टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक किस डोमेन में है? विद इन ही सर्किल गामा। सर्किल में फंक्शन एनालिटिक है, सर्किल की रेडियस आर है और सेंटर जेड इज इक्वल टू ए है। तो जो फंक्शन एनालिटिक है वो पूरे सर्किल में एनालिटिक है लेकिन एक्सेप्ट एट द सेंटर जेड इक्वल टू ए, सेंटर को छोड़कर बाकी पूरे सर्किल में फंक्शन कैसा है? एनालिटिक। देयरफोर जेड इक्वल टू ए क्या हो गया? एक सिंगुलरिटी हो गई जिसको हम पोल कहते हैं, पोल ऑफ ऑर्डर एम। देन इफ यदि हम इस फंक्शन को सीरीज में एक्सपेंड कर सकते हैं जिसे हम लॉरेंट सीरीज कहते हैं, लॉरेंट सीरीज के बारे में भी हमने एक्सप्लेन किया था, एफ जेड इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट ए एम जेड माइनस ए की पावर एन प्लस एन इज इक्वल टू वन वी एन जेड माइनस ए की पावर माइनस एन प्लस वन। इसको हमने इक्वेशन नंबर वन से शो किया। तो जो रेजिड्यू होता है वो क्या होता है? मेन पॉइंट ये है, रेजिड्यू ऑफ ए फंक्शन एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू ए पोल, यानी जेड इक्वल टू ए जो पोल है उस पोल पर एफ जेड का जो रेजिड्यू होता है वो कोफिशिएंट होता है वन अपॉन जेड माइनस ए का। फॉर्मूला लिखा है हमने, द कोफिशिएंट ऑफ वन अपॉन जेड माइनस ए इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन जो कि लॉरेंट सीरीज है उसमें जो वन अपॉन जेड माइनस ए का कोफिशिएंट होगा वही क्या होगा? रेजिड्यू होगा। या दूसरा फार्मूला ये है, वन अपॉन टू पाई आई इंटीग्रल एफ जेड डी जेड एलोंग टू कंटूर सी। हमने बताया रेजिड्यू एक इंटीग्रल भी होता है जिसको हम कहते हैं कंटूर इंटीग्रल। तो इंटीग्रल फॉर्म में भी इसका फार्मूला है जो कि आप देख रहे हैं, वन अपॉन टू पाई आई इंटीग्रल एफ जेड डी जेड कंटूर इंटीग्रल। ओके, तो रेजिड्यू क्या है? एक कंटूर इंटीग्रल है या कोफिशिएंट है उस फंक्शन का जेड वन अपॉन जेड माइनस ए का। अब ये तो हुआ रेजिड्यू की डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन। अब हम कंप्यूशन ऑफ रेजिड्यू एट ए फाइनाइट पोल। देखिए पोल्स के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि पोल क्या होते हैं और ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, यहाँ भी हम बताते जाएंगे क्योंकि पोल्स का यहाँ यूज होगा, पोल्स हमें फाइंड करने होंगे। तो कंप्यूशन ऑफ रेजिड्यू एट ए फाइनाइट पोल
कंप्यूशन मीन्स फाइंड, ज्ञात करिए, कैसे ज्ञात करते हैं, क्या मेथड होता है इसका या क्या फॉर्मूले होते हैं, वो हम वन बाई वन देखते हैं। देखिए फर्स्ट फार्मूला, रेजिड्यू ऑफ एब्जेक्ट एट ए सिंपल पोल जेड इज इक्वल टू ए, यानी किसी फंक्शन एब्जेक्ट का रेजिड्यू एक सिंपल पोल पर, सिंपल पोल मतलब होता है आप जानते हैं जिसका ऑर्डर वन होता है, जिस पोल का ऑर्डर वन होता है उसको हम कहते हैं सिंपल पोल। तो इसके लिए फॉर्मूला है लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो ए जेड माइनस ए एफ जेड, इस फंक्शन की जो लिमिट होगी वही रेजिड्यू होता है। तो रेजिड्यू के कई फार्मूले हैं, तो पहले हम सिंपल पोल पर फार्मूले समझ रहे हैं, एक फार्मूला ये हो गया। सेकंड फार्मूला देखिए, इफ एफ जेड इज इक्वल टू फाइव जेड अपॉन साइन जेड, यदि कोई फार्मूला रेशनल फंक्शन या पी अपॉन क्यू की फॉर्म का है, जैसा कि आप देख रहे हैं फाई जेड न्यूमरेटर है, साई जेड डिनोमिनेटर है, और वेयर साई ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है ये जीरो नहीं होना चाहिए किसी पॉइंट पर, यानी ए पॉइंट पर। ठीक है, तब हम दूसरा फार्मूला हमारे पास ये भी होता है, रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू ए सिंपल पोल बराबर फाई ए अपॉन साई डैश ए, फाई ए मीन्स जहाँ फाई जेड है जेड की जगह ए लिख देंगे उसमें रिप्लेस कर देंगे, और जहाँ साई है उसका डिफरेंशियल करेंगे और उसमें फिर रिप्लेस करेंगे जेड को ए से, यानी साइड एस ए। तो ये रेजिड्यू होता है, यानी रेजिड्यू का फार्मूला होता है। देखिए रेजिड्यू एट ए पोल ऑफ ऑर्डर एम, यदि पोल जो है एम ऑर्डर का है तब हम कैसे, क्या फार्मूला होता है उसके लिए समझिए। रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट ए पोल जेड इक्वल टू ए ऑफ ऑर्डर एम फाई एम माइनस वन ए अपॉन फैक्टोरियल एम माइनस वन, वेयर एफ जेड क्या है फाई जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर एम। देखिए अगर फंक्शन कैसा है, इस टाइप का है, फाई जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर एम, तो यहाँ से पोल क्या होगा इस फंक्शन का, एफ जेड का पोल क्या होगा, जेड माइनस ए इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो पोल आ जाएगा जेड बराबर ए, और ऑर्डर क्या होगा इसका, एम होगा, क्योंकि एम पावर है, जेड की जो ए वैल्यू है वो एम टाइम होगी, एम बार होगी, तो जो पोल हो गया जेड इक्वल टू ए वो ऑर्डर एम का होगा। तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला फंक्शन है उसका डिफरेंशियल करेंगे एम माइनस वन टाइम, यदि ऑर्डर एम है तो एम माइनस वन टाइम, जैसे कि ऑर्डर थ्री है तो टू टाइम डिफरेंशियल। तो ये फाई एम माइनस वन एन एम माइनस वन लिख रहा है, इसका मतलब है फाई जेड का एम माइनस वन टाइम डिफरेंशियल, और उसमें जेड इक्वल टू ए लिखेंगे अपॉन फैक्टोर एम माइनस वन। ठीक है, ये फॉर्मूला देखिए, आगे एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे आप। देखिए एक फंक्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन है फाइंड द रेजिड्यू ऑफ जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एट इट्स पोल्स, इसके पोल्स पर रेजिड्यू क्या होगा ये निकालिए। तो एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के हमने क्या किए, फैक्टर किए, जो कि आप जानते हैं क्या होंगे, जेड माइनस आई ए प्लस जेड प्लस आई ए। फिर फॉर पोल्स,
पोल्स के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर जीरो करते हैं, यानी डिनोमिनेटर को जीरो के बराबर इक्वेट करते हैं। तो जेड माइनस आई ए इज इक्वल टू जेड प्लस आई ए इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से दोनों जीरो किए तो जेड की वैल्यू आ जाएंगी आई ए माइनस आई ए। तो दो पोल हुए, दोनों सिंपल पोल हैं क्योंकि दोनों का ऑर्डर वन है। अब हम एक पोल लेते हैं जेड इज इक्वल टू आई ए, तो रेजिडी ऑफ फंक्शन एफ जेड एट सिंपल पोल जेड इज इक्वल टू ए आई, क्या फार्मूला बताया था, लिमिट जेड टेंस टू आई ए जेड माइनस आई ए इंटू एफ जेड, एफ जेड है जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस आई ए जेड प्लस आई ए, जेड माइनस आई ए कैंसिल, और हमने इसमें लिमिट जेड की जगह आई ए रिप्लेस कर दी जो कि हुई ए स्क्वायर आई स्क्वायर अपॉन टू आई ए, आई ए से एक आई ए कैंसिल तो ये रहा वन बाई टू ए आई। सिमिलरली हम सेकेंड पोल, सेकेंड पोल जो हमारा है जेड इज इक्वल टू माइनस आई ए, सेम प्रोसेस लगाएंगे, लिमिट लेंगे जेड टेंस टू माइनस आई ए जेड प्लस आई ए अपॉन जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस आई ए जेड प्लस, जेड प्लस आई ए कैंसिल होगा अगली बार, फिर हम जेड की जगह आई ए लिखेंगे माइनस का और कैलकुलेशन आएगी माइनस वन बाई टू आई ए।